धीरे धीरे धीरे। हेलो, माय सेल्फ दिनेश मिश्रा। लेट्स डू इट एक हिंदी फिल्म है, कॉमेडी हिंदी फिल्म है, जिसमें दो लड़के हैं, दोनों दोस्त हैं, उसमें मौज मस्ती करने के लिए इधर उधर निकलते हैं, फ्रेंड्स हैं दोनों। वहाँ जाके किसी को भाई पता चलता है कि इस घर में जाएंगे तो यहाँ हमको ज़्यादा इनकम हो जाएगी और अच्छी लाइफ गुजारेंगे, इसके लिए वो यहाँ से निकलते हैं और उसी में बीच में कॉमेडी होती है, लड़की कैसे पटाए ये चक्कर। कुछ पुराने रहेंगे सर, दो तीन नए हैं, जैसे मेन हीरो हीरोइन जो है वो नए हैं, उसमें से एक साहिल कोहली हैं, एक देवेश चंद्र मिश्रा जी हैं और दो लड़कियां हैं। कंफर्म किया हूँ लेकिन बता नहीं सकता, कंफर्म कर दिया लेकिन एग्रीमेंट नहीं हुआ। म्यूजिक के बारे में, म्यूजिक मानिक दा कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा म्यूजिक है। कितने गाने, किस तरह का? चार गाने हैं इसमें, दो रोमांटिक हैं, एक आइटम है, एक थोड़ा सा छेड़छाड़ गम टाइप। कब तक फिल्म तैयार हो जाएगी? ये फ्लोर पे जाएंगे हम लोग जनवरी 20-22 जनवरी से शूट पे चले जाएंगे, प्लानिंग एकदम तैयार होगी। राइटर है राजीव कौल जी, जिन्होंने दिल राजा बेटा, वेलकम वेलकम बैक, रेडी, उनकी लिखी हुई फिल्म है, तो वही लिख रहे हैं हमारी कहानी। थैंक्स। मेरा नाम राजेंद्र सहदेव सातारा। मूवी की बात करें, फिल्म का नाम क्या है, कैसे जुड़े? ये लेट्स डू इट, ये इस नाम में ही दम है। आप अगर बोलने जाओगे लेट्स डू इट तो ऑटोमेटिकली पब्लिक अट्रैक्ट होगी। एक लव स्टोरी है, ये लव स्टोरी साथ साथ में कॉमेडी है, मतलब आप पूरी फैमिली के साथ में, टोटल बच्चों के साथ में, बड़ों के साथ में आप ये देख सकते हो, मजा आएगी देखने के लिए। जैसे ये पूरी होती है तो नक्की आप, मतलब हर आदमी इसको देखना चाहेगा, नाम पढ़ करके भी उसको क्या है अंदर वो देखना चाहेगा और देखने में वाकई मजा आएगी। प्लीज कंटिन्यू। प्रोड्यूसर, आप एज ए प्रोड्यूसर हैं, अगर बजट की बात करें, एक नॉर्मल फिल्म का बजट कितना लगता है? देखो, हमें बनानी है पिक्चर, बहुत बढ़िया तरीके से बनानी है, जो सभी लोगों को पसंद आए, जिसमें लिए जो भी उसको फाइनेंस लगेगा, जो भी उसको लगेगा, वो हम लोग उसको लगाने के तैयार हैं। नए लोगों को भी चांस दे रहे हैं और एज वेल एज जैसे हम लोग अभी पूरी स्क्रिप्ट का वगैरह वर्कआउट तो हो ही गया है और जैसे अच्छे कलाकार भी है जो नामचीन है, उनको भी हम लोग अंदर ये कर, उनको भी अंदर लेकर के एक अच्छा फिल्म जो पब्लिक धमाल करे देख के, ऐसा तो लेट्स डू इट, लेट्स सी इट ना। इसके बाद थैंक यू सर। मूवी की बात करें, क्या कहना चाहेंगे? अरे भाई, मेरा नाम आप तो आपको पता चलना जी ने पहली बार बता चलो, नहीं चलो नहीं आप पूछा नहीं, 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 मैं मैंने मैं हूँ काफ़ी वेटरन, काफ़ी फिल्में लिखी है, दिल बेटा राजा है, दूल्हे राजा, हद कर दिया आपने, लुटेरे, अजय, वेलकम, इतनी सारी फिल्में लिखी। ये डायरेक्टर जो है मेरे खास दोस्त हैं, पुरानी पहचान है, तो इनको मैंने रिक्वेस्ट किया था, इन्होंने भी एक रिक्वेस्ट किया था कि सर कभी मेरे लिए कुछ अच्छा लिखिए। एक सब्जेक्ट आया, मैंने इनको सुना, इनको अच्छा लगा और फिल्म आपके सामने बहुत जल्दी बनेगी, पर्दे पे आ जाएगी। जितनी फिल्मों के आपने नाम लिया सर, ये सब करोड़ ऊपर हिट रही हैं, एक से एक बड़े बड़े स्टार के साथ रही हैं। जी जी, तो इसके जरूरी है, स्टार ही चलता है, छोटे नए एक्टर भी तो चलते हैं। लेकिन ट्रेंड बन गया है, अभी नए लड़कों को चांस दिया जा रहा है। हाँ, लड़के को चांस दिया, डायरेक्टर में हिम्मत है, प्रोड्यूसरों में हिम्मत है, उन्होंने बोला हम बनाएंगे, हमको कॉन्टेंट चाहिए, मैंने कॉन्टेंट बेस्ड सब्जेक्ट दिया। बाकी मेरी सारी फिल्में एंटरटेनमेंट होती है, आइसक्रीम तो हमने रखा थी, कभी आपने मेरी सारी फिल्में देखी होंगी। रेप में बहुत दूर से भाग जाता हूँ, रेप सुनते ही, मेरी कोई फिल्मों में आपको रेप नहीं मिलेगा। बेटा की आपने बात की, बेटा का भी अनिल कपूर के लिए मिल का पत्थर होते जाओ और बेटा क्यों वेलकम नहीं मिला कल तक उनको जगास के नाम तो ले, बेटा से पहली बात। हाँ, बेटा से मिला, क्या कहना चाहिए, वो वाक्य आप दर्शकों से शेयर करना चाहेंगे? क्या वाक्य, मैं समझा नहीं, जो स्टोरी थी उसको लेकर। हाँ, स्टोरी सुनाया था अनिल कपूर को, जब स्टोरी सुनाई थी, टाइटल बेटा था, पिक्चर के बनते बनते उन्होंने बोला कि यार इसमें बेटा गायब है, बेटी की कहानी हो गई, लेकिन बेटी बहू बनकर आई, अरुणा रानी के साथ पूरी फिल्म बनी और पिक्चर में उनको अवार्ड मिला, अरुणा जी को मिला, अनिल कपूर जी को मिला, माधुरी जी को मिला। सर, आजकल स्टोरियाँ जो हैं काफ़ी हटके आ रही हैं, पुरानी अच्छी स्टोरी होती है, तो उसके बारे में क्या रहा है आपकी बॉलीवुड में? मैं वो पुरानी लिखता हूँ सर, मैं एंटरटेनमेंट लिखता हूँ, हटके कौन से, ए वेनसडे, जब मैंने वेनसडे देखी थी तो थिएटर में एक ही डेढ़ ही रो था, आगे कोई नहीं था, और हम जब फिल्म लिखते हैं तो पूरी फैमिली आके देखती है, हंसी मजा की तो बचा है, बाकी बचा गया है सब कुछ आपको पैसे से मिलता है। वहाँ आप जब मल्टीप्लेक्स में जाते हो ना, तो वहाँ भी आपको पानी भी पैसे से मिलता है, सिर्फ हंसी फ्री है, वो हंसी में बांटता हूँ। आप एक चीज़ मुझे बताइए,
टैक्स काहे का देते हैं हम लोग, जो गवर्नमेंट हमसे टैक्स लेती है काहे का देती है, एंटरटेनमेंट टैक्स। मैं एंटरटेनमेंट ही देता हूँ, आपने सुना कभी ट्रेजेडी टैक्स है, रोने का टैक्स है, इस पे तो टैक्स नहीं है ना, सिर्फ एंटरटेनमेंट। पब्लिक को हंसाओ खिलाओ, शाम को पिक्चर देखकर निकले, मज़ा आए, घर जाए। आप घर पे बैठ के मेरी फिल्में देखिए, दूल्हे राजा, शोला और शबनम, वेलकम वेलकम बैक, ऑडियंस हंस हंस के खुश होकर बाहर निकलती, बोलती अच्छा बेवकूफ़ बना है, बेवकूफ़ नहीं बना, अच्छा बेवकूफ़ बना है। सर ये इतनी बड़ी एंटरटेनर है, दो नए लड़कों के साथ बना रहे हैं, और मेरा ये दावा है कि एक बार ये स्क्रीन पे आ जाए, ये दोनों लड़के स्टार बन जाएंगे, जो भी दोनों नए लड़के हैं, टोटल कॉमेडी। थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे आज को फाइनेंस कर रहे हैं? काफ़ी नहीं, बहुत अच्छी फिल्म है, इन लोगों ने जो पटुवाई मुझे सुनाया स्टोरी, बहुत अच्छा लगा, और इसके लिए मैं खड़े हुआ कि नहीं करना चाहिए ऐसे एंटरटेनमेंट फिल्में। क्या लगता है मार्केट आपकी मूवी की, मार्केट कॉमेडी ही चलती है और कॉमेडी ही चलेगी, अब कितना लोगों को सीरियस करेंगे, बेहतर है कि कॉमेडी बनाते, हर फिल्म में चलती है कॉमेडी फिल्में जो भी है। मेरा नाम मोहम्मद इस्लाम खान है। ओके।